चंदन आप जा रहे हैं? हाँ क्यों? आपने जिब्रान को फायर क्यों कर दिया? देखिए ये लड़के लड़कियों के अफेयर्स तो चलते रहते हैं, आप तो जानती हैं वो किस किस्म का लड़का है, फिर भी इतनी सख्त सजा। जिसके साथ अफेयर चलाया है ना उसने, वो मेरी मेड है, वो एक सीधी सादी लड़की है, उसको फंसाया है उसने, उसको बलगलाया है उसने। इतनी भी कोई सीधी सादी लड़की नहीं है वो, वरना चार दिन में किसी और के साथ चक्कर नहीं चलाती। जो भी है, मैंने जिब्रान को निकाल दिया, उसके रिप्लेसमेंट ढूंढ लेना आप। पता नहीं क्या घोल कर पिलाया है तबस्सुम ने। चन्ने जी आपके लिए खाना लगवा दें? नहीं मैं खाना खा के आई हूँ, लेकिन तुम बैठो यहाँ पे, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझती थी मैं जी। की बात कर रही हूँ चंदन जी, सब में जिब्रान का कोई कसूर नहीं है, वो और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मंगनी शुदा लड़का है वो, शादी होने वाली है उसकी। लेकिन उसकी मंगनी खत्म हो गई है, उसने मुझे खुद बताया वो उस लड़की को पसंद नहीं करता। अव्वल नंबर का आवारा और झूठा लड़का है वो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो उसकी मंगेतर से बात करवाऊं तुम्हारी। और वो तो चलो है ऐसा, तुम्हें क्या हो गया? तुम और फारूक एक दूसरे से प्यार करते हो। वो करता होगा, मैं नहीं करती। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? चार दिन में फारूक से मोहब्बत खत्म हो गई है और चार दिन में जिब्रान से मोहब्बत हो गई है तुम्हें। अच्छा मुस्तकबिल दे सकता है मुझे, और अच्छा मुस्तकबिल क्या होता है? ज्यादा चीजें, ज्यादा साइशात, बस। चंदन जी आप तो अपने शो में दिखाती हैं। वही चीजें, वही साइशात, क्या आप बात नहीं करती उन चीजों की? तबस्सुम, मुझे पैसे मिलते हैं वो सब कहने के लिए जो मैं शो में कहती हूँ, तो शो की बात मत करो। मेरे फारूक से बात हुई है, तुम शादी उसे सही करोगी। फारूक हीरा है, हीरा। जो लोग हीरों को गवा देते हैं ना, उनको कोयले भी नहीं मिलते। वो हीरा होगा लेकिन मैं जौहरी नहीं हूं, इसलिए कह रही हूं तुम्हें कदर ही नहीं। लेकिन मेरी बात में माननी पड़ेगी, समझी तुम? मैं तुम्हारे माँ बाप से खुद बात करूंगी, धूमधाम से शादी करेंगे हम तुम्हारी।
जन्नत जी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। अगर ये सारा जिब्रान वाला मसला ना हुआ होता तो मैं तुम्हारी साइड पे ही होती। लेकिन बारू ठीक कह रहा, तुम्हारी शादी अब हो जानी चाहिए। और फारूक भी मेरे पास काम करते हैं, तुम भी मेरे पास काम करती रहोगी, अच्छी जिंदगी गुजर जाएगी तुम्हारी, कोई मसला नहीं होगा। ड्राइवर की क्या जरूरत है? फारूक है ना तुम्हें छोड़ने के लिए। जी मैंने तय कर लिया, फारूक को ड्राइवर के तौर पर रखूंगी मैं। तुम्हारे आने जाने का मसला भी हल हो जाएगा। नारियल पानी पिलाऊं तुम्हें? नहीं। आप बन कबाब? नहीं। कुछ और? कुछ भी नहीं। तो गुस्सा में अब तो गुस्सा छोड़ो। चन्ना जी से जबरान की तुमने शिकायत की है? हाँ ठीक। फारूक अगर तुमने मुझसे शादी करनी है ना तो तुम मुझे नौकरी छोड़ने का नहीं कहो। मैं जन्नत जी की नौकरी नहीं छोड़ूंगी। ठीक, कोई और शर्त? घर चलो। दो नारियल पान दे। पकड़ो। स्टिंग चाहिए। पकड़ो ना। कितने पैसे हो गए?